ये कैसे हुआ पाकिस्तान आइडल से नाद पढ़ने की तरफ ये रुझान, ये ख्याल जहन में कैसे आया? तो हमारी क्लास में एक नया बच्चा आया, उसमें वो अपने साथ गिटार ले आया, बजाया और साथ गाने गाए, तो पूरी क्लास की अटेंशन जो है ना उसकी तरफ हो गई। ठीक, तो मैंने सोचा ये कर सकता तो मैं भी करूँगा। तब से मैंने फैसला किया कि भाई मैंने म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार मैंने कितना बड़ा सिंगर बनना है, तो वो काम करना चाहिए जो आखिरत में हमें फ़ायदा पहुँचाए। सबसे पहली नात या नशीद कौन सी थी जो आपने पढ़ी? मैंने सबसे पहले पढ़ी थी मेरा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, दिस इज़ मी अहमद साफ़ी। नाज़रीन, आज मैं आकिब भाई के साथ बैठा हूँ। इन्होंने मुझे दावत दी थी अपने घर पर इस्लामाबाद में, तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बातचीत हुई हमारी, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही हमारी। तो ऐसा एक छोटा सा ख्याल आया जहन में कि चलो हम इतनी बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्यों ना इस बातचीत को रिकॉर्ड किया जाए और आप भी जो हैं इन बातचीत से, इनकी गुफ्तगू से, इनकी लाइफ स्टोरी से, इनकी ज़िंदगी से आप लोग भी कुछ इस्तेफादा हासिल करो, कुछ सीख लो। आकिब भाई से जो मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी वो हुई थी जर्नी ऑफ द हार्ट कॉन्फ्रेंस कराची में, और वहाँ पर मुझे इन्होंने पहली मर्तबा मतलब नात पढ़ी वहाँ पे, और मैंने पहली मर्तबा इनको नात पढ़ते हुए सुना, और माशाल्लाह इनकी आवाज़ मैंने सुनी, नात पढ़ने का जो रिदम था इनका वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद कॉन्सिस्टेंटली हमारी काफ़ी मुलाकातें हुई, लाहौर में भी हुई उसी जर्नी ऑफ द हार्ट कॉन्फ्रेंस में, इस्लामाबाद में भी हुई, मियाँ चन्नू में भी दो तीन मर्तबा हमारी मुलाकात हुई, और उसके अलावा भी काफ़ी मुलाकातें हमारी बीच में हुई। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया पर्सनली अपने घर पर, मुझे दावत दी, आज मैं यहाँ पे आया। बड़ी खुशी हुई इनसे आप बातचीत करके। सो ही इज़ नोन एज जो है वो पूरे पाकिस्तान में ये जाने जाते हैं अपनी आवाज़ की वजह से, ये नात पढ़ते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर इन्होंने अपनी नात की जो वीडियोज़ हैं पढ़ते हुए वो अपलोड किया है। उसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी भी यूट्यूब पर अपलोड की थी कि किस तरीके से पाकिस्तान आइडल से इन्होंने स्टार्ट लिया और उससे आगे बढ़ते बढ़ते किस तरीके से वॉच इस मकाम तक पहुँची, स्टेज तक पहुँचे। तो आकिब भाई के साथ मैं मौजूद हूँ। आज की जो ये हमारी डिस्कशन होगी वो इसी चीज़ पर होगी जनरली कि इनकी लाइफ ये चेंज कैसे आया पाकिस्तान आइडल से, जो है इस रास्ते की तरफ ये कैसे आए, और अभी ये क्या कर रहे हैं करंट पोजीशन में, और फ्यूचर प्लान्स इनके क्या हैं, इन्हीं चीज़ पर आज हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आके भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपने घर पर मुझे इन्वाइट करने के लिए, इतनी खिदमत की आपने हमारी, दिल से मैं आपका शुक्र गुजार हूँ। नहीं नहीं, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, बल्कि शुक्र तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो है एक असासा है। जज़ाकअल्लाह। देखते हैं छोटी उम्र में माशाल्लाह इतनी इंफॉर्मेटिव बातें और इतना आप फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो जज़ाकअल्लाह। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। जज़ाकअल्लाह। आके भाई, सबसे पहले मैं उसी सवाल पे आऊँगा कि ये कैसे हुआ पाकिस्तान आइडल से नात पढ़ने की तरफ ये रुझान, ये ख्याल जहन में कैसे आया, या किसी ने आपको गाइड किया, किसी ने आपको टीच किया, या ख़ुद ही आपने जो है ये फैसला लिया कि मैंने अब ये करना है अपनी ज़िंदगी में, ये स्टार्ट कैसे लिया आपने? ये स्टार्ट दरअसल जब मैं तकरीबन छोटा सा था ना, एक बड़े मज़े का आपको वाकया सुनाता हूँ। जी ज़रूर। मैं क्लास सिक्स्थ में या सेवन्थ में था। अच्छा। तो उस वक्त वैसे ही गुनगुनाया करता था शौकिया। जी। तो हमारी क्लास में एक नया बच्चा आया जी, किसी और स्कूल से, और एक हमारी क्लास पार्टी थी उसमें वो अपने साथ गिटार ले आया। अच्छा। तो जब वो गिटार लेकर आया तो उसने जो है ना बजाया और साथ गाने गाए, तो पूरी क्लास की अटेंशन जो है ना उसकी तरफ हो गई। ठीक। और पूरी क्लास उसके इर्द गिर्द जमा हो गई। तो मैं देख के उसे बड़ा इंप्रेस हुआ, तो मैंने देखा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है कि आपने सबकी अटेंशन ले ली है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा ये कर सकता तो मैं भी करूँगा, मैं भी पूरी क्लास की अटेंशन जो है वो हासिल करूँ। तब से मैंने फैसला किया कि भाई मैंने म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है। अच्छा। और मेरी सारी जो एनर्जीज थी वो आप समझ लें कि सिंगिंग की तरफ जानी शुरू हो गई। तो मकसद यही था कि सिंगर बनना है। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार मैंने कितना बड़ा सिंगर बनना है, ये मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ सारा खुलासा, कि कोई एग्जांपल होनी चाहिए मेरे सामने, कोई नमूना होना चाहिए कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, हद क्या है मेरी। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में मैंने सर्च किया कि दुनिया का सबसे मशहूर आदमी कौन है, एंटरटेनर, तो माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन, यस। तो मैंने कहा हाँ ये बंदा ठीक है। ठीक। तो उसके बारे में पढ़ा कि वो इतना मशहूर था कि जब उसका कॉन्सर्ट होता था ना तो एम्बुलेंसेस की लाइन होती थी उसके कॉन्सर्ट के बारे में, लोग बेहोश हो जाते थे। एक ऑस्ट्रेलिया में मॉल था जो सिर्फ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए बना हुआ था, लेकिन जब माइकल जैक्सन वहाँ शॉपिंग करने जाता था तो वो उनके लिए भी बंद हो जाता था सेलिब्रिटीज के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये बंदा ठीक है, इस तक मैंने पहुँचना है। तो सोचो सोचो मैंने सोचा कि अब वो किधर है, वो तो मर चुका था। मर चुका था। तो मैंने सोचा कि ये मर गया तो मैंने भी मर जाना है।
तो वहाँ से जो है ना मौत का तसव्वुर ठीक मैंने सोचा, मैंने कहा ये मैं सब कुछ अचीव कर तो लूँगा लेकिन इसका हासिल मुझे क्या होगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा माइकल जैक्सन को उसका क्या हासिल हो रहा है, कहीं उसको नुकसान तो नहीं पहुँचा रही हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ से जो है ना एक मौत का तसव्वुर जो है पैदा हुआ दिमाग के अंदर कि यार मरना भी है एक दिन, और करते 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 ये अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह ने एहसास डाला है दिल में। और फिर मुझे एहसास इस बात का हुआ कि हमने मरना है एक दिन और आखिरत में हिसाब किताब होगा हमारा सारी ज़िंदगी का, तो वो काम करना चाहिए जो आखिरत में हमें फ़ायदा पहुँचाए सबसे ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। तो मैंने जो अपना मकसद उसके बाद तब्दील किया, मैंने ये सोचा कि मैं पूरी दुनिया को मुसलमान करूँगा। माशाल्लाह। तो पहला जो तसव्वुर मेरे दिल में माशाल्लाह उसको कितनी समझ नहीं थी। जी जी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला हदीस के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के बारे में, तो पता लगा कि ये मुमकिन नहीं है जी, उन्होंने प्रेडिक्शन दी हुई है। तो बस फिर ये सोचा कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, और फिर क्योंकि सिंगिंग के अंदर मैं अपनी सलाहियत काफ़ी मतलब कि टाइम लगा चुका था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लगाया जाए। मैंने कहा अपने टैलेंट को मैं नात खानी की तरफ और हमद नशीद जिन्हें हम कहते हैं। जी जी जी। तो ये था मेरा मुख्तसर सा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी ज़िंदगी की। सबसे पहली नात या नशीद कौन सी थी जो आपने पढ़ी सबसे पहले? जी सबसे पहले जो मैंने, वो भी बड़ा एक मज़ेदार इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, वो आपका शेयर करता हूं। क्यों नहीं, कि मैंने सबसे पहले पढ़ी थी मेरा दिल बदल दे जिन्हें, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था उस वक्त, क्योंकि सिमिलर थी थोड़ी, मैं रिलेट कर पाता था उनसे, वो भी सिंगिंग करते हालांकि उनका लेवल तो बहुत ऊपर है मेरे से। तो मैंने मेरा दिल बदल दे पढ़ी और मैंने नेट पर डाली, और मैं अब यकीन करें कि तसव्वुर कर भी नहीं रहा था कि ये इतनी, मैंने कहा वैसे ही एक ट्राई करते हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, और मैं सोच रहा था कि मुझे तनकीद करेंगे कि भई ये तुम किस काम हो, क्योंकि ज़ाहिर आपका जो सोशल सर्कल पुराना होता है। तो उन्हीं दिनों में ना मैं मौलाना तारिक जमील से भी मिला, और उनके साथ मेरी एक तस्वीर थी। ये बात कब की है? ये बात है तकरीबन 2014-15 की है मेरे ख्याल से। ठीक ठीक। नहीं 15 की नहीं, 16 की। 16 की, सही, 16 की तकरीबन। तो उनके साथ तस्वीर थी मेरी एक, वो मैंने नेट पर डाली थी। तो जब मैंने दिल बदलते पढ़ी ना, तो ये मेरी नात बहुत वायरल हो गई। अच्छा। और उस जहाँ वो वायरल हुई ना, उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई मेरी और मौलाना तारिक जमील की। अच्छा। जो मेरी मुलाकात थी, और ऊपर कैप्शन लिखा हुआ कि मौलाना तारिक जमील की मेहनत से एक पॉप सिंगर की जिंदगी में हैरान कुन तब्दीली। अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं जी, था। जी, जी, हाँ उनके बयानात का बहुत वो था मेरे ऊपर इम्पैक्ट, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा जिस तरह मेहनत नहीं की हुई थी, मैं वैसे उनसे मिलने गया था। तो मेरा गुमान ये है कि शायद लोगों ने समझा कि ये शायद इतना बड़ा सिंगर था कि मौलाना ने इसके ऊपर मेहनत की, तो मेरी वीडियो वायरल होगी बहुत ज़्यादा, जहाँ से मुझे आप कह लेंगे एक बेस मिली। बिल्कुल। ऑडियंस की। बिल्कुल ठीक। और अक्सर लोग कहते थे कि अल्लाह के लिए कुछ चीज़ छोड़ो तो अल्लाह बढ़ के उसे वापस देता, तो मैंने तो ये प्रैक्टिकली देखा है कि जब मुझे चंद हज़ार लोग सुना करते थे गानों पे, और जब मैंने गाना छोड़ के पहली नात ही पढ़ी, तो वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मिलियन व्यू भी कैसा होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए आप अगर ये नाच सुना दें, मेरा दिल बदल दें। बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, सुनूं मैं ना कनों में मजा जाए मौला दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम
कनों में बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंग्लिश में एक टर्म यूज़ किया जाता है मैजिकल वॉइस एंड डेफिनेटली यू हैव दैट। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुनकर। तो आके भाई अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि करंटली अभी आप क्या कर रहे हैं आजकल? करंटली इस वक्त जो मेरे वक्त का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा वो मैं अपने बिजनेस को देता हूँ। अपने बिजनेस को? किस चीज़ का बिजनेस? कपड़ों का एक मैंने ब्रांड बनाया जिसमें हमारी शलवार कमीज रेडीमेड और कैप्स इस्लामिक। अच्छा। मैं इसको कहता हूँ इस्लामिक डिजाइनर कैप्स। अच्छा, ये जो मैंने पहनी है? जी जी, जो आपने पहनी है और जो मैंने पहनी है। सही सही। तो इसके पीछे सोच यही थी कि मतलब कि अपने सर को ढांपना एक बिल्कुल सुन्नत का अमल है और ढांपना चाहिए हम सब लोगों को। तो मैंने देखा था बहुत सी नौजवान लोग जो है वो ड्रेसिंग का भी उनका दिल करता है कि वो ड्रेसिंग भी अच्छी करें जी, लेकिन टोपियां जो है वो उस तरह से अवेलेबल नहीं है इजीली। ठीक ठीक। या है तो वो बहुत महंगी हैं। तो मैंने ये सोचा कि नौजवान नस्ल जो है वो अपना इस सुन्नत के ऊपर अमल करे। तो मैंने डिफरेंट कलर्स में डिजाइंस के अंदर इनको डिजाइन करके ठीक कैप्स में ऑनलाइन सेल करता हूँ। हमारा लेवल मंडी में शॉप है तो मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम है वो उस बिजनेस पे जा रहा है। बिल्कुल। और ये आपके ब्रांड का क्या नाम है? आकिब फरीद। आकिब फरीद। अच्छा, इसकी अपनी वेबसाइट भी है? जी, मेरे ही नाम से मैंने ब्रांड बनाया, aakibfareed.com इसकी वेबसाइट है। बिल्कुल ठीक। तो इसके ऊपर मैं ये स्टार्ट कैसे लिया आपने ये बिजनेस प्लान कैसे जनरेट हुआ आपके माइंड में? बिजनेस प्लान ये ऐसे जनरेट हुआ था कि उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अभी मेरी तालीम ख़त्म हुए हुए तकरीबन 2-3 महीने हुए हैं। अच्छा। तो मेरा कराची से दोस्त आया था, तो वो जब मैंने नातें पढ़नी शुरू की तो वो थोड़ी सी जब वायरल होनी शुरू हुई तो उसने कहा कि एक ब्रांड बनाते हैं ना हम दोनों जी। तो वहाँ से आइडिया मेरे दिमाग में आया। अच्छा। तो मैंने उस दोस्त के साथ तो नहीं बनाया, खैर मैंने फिर वो खुद से ही शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि अब जाहिर है इस दुनिया के अंदर आपने रहना है तो आपको फाइनेंसिस भी अपने सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और दीन के साथ साथ अपने पैरों पर जब तक इंसान खड़ा नहीं होगा तो दीन का काम खुल के नहीं कर सकता। तो ये सोच थी, तो मैंने सोचा कारोबार अपना एक होना चाहिए। ठीक। तो जितनी जल्दी मैं उसकी बुनियादें डालूं उतना अच्छा है। तो मैंने तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। मैंने शुरू किया एक छोटे पैमाने से और आहिस्ता आहिस्ता करते करते अभी इसके। और फ्यूचर प्लान क्या है आपका इस बिजनेस से रिलेटेड या ये अपने नशीद पढ़ने से या नात पढ़ने से रिलेटेड? हाँ, बिजनेस से रिलेटेड तो यही है कि जितना इसको मतलब कि मकसद इसके पीछे ये है कि इससे जो मेरी आमदनी जनरेट होगी वो ज़ाहिर है मैं ताकि मुझे किसी के सामने हाथ ना कभी फैलाने पड़े। ठीक। और जब मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता तो मैं दीन का काम खुल के कर सकता हूँ। बिल्कुल। मुझे परवाह नहीं होगी किसी चीज़ की। तो मकसद यही है और इसमें यही है कि इसको एक ब्रांड बनाना है इंटरनेशनल, जितना आगे तक हो सके इसको लेके जाना है, आउटलेट इसकी बनानी है और ताकि मुस्लिम वेयर जो है या मुस्लिम फैशन जो है ये कॉमन हो जाए, हमारी कॉमन हो जाए और ये पिक्चर हट जाए लोगों के जहन में जो अजीब सा महसूस करते हैं इसे पहनने में। बिल्कुल ऐसे ही है, एक तो सुन्नत भी आ जाए और उसके अलावा भी ये कारोबार जो है वो सुन्नत भी है और कपड़े का तजारत करना ये भी सुन्नत है। और ये मतलब इसमें अगर इंसान एक हलाल तरीके से पैसा भी कमाता है तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। पैसा जो है एज अ टूल आप उसको अच्छाई के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कमाना कोई मैं इसको बुरी चीज़ नहीं समझता बल्कि मैं इसको अच्छी चीज़ समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। इंसान को अपनी वैल्यू बनानी चाहिए एग्जैक्टली एक कारोबार करके ताकि किसी के सामने झुकना ना पड़े। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी सोच है माशाल्लाह आपकी। और ये अपने नशीद पढ़ने से रिलेटेड या नात पढ़ने से रिलेटेड इसका जहन में कोई है आगे कोई अपनी प्रोडक्शन की कंपनी खोलें आप? बिल्कुल, इसमें यही है कि जितना आगे इसमें जा सकूँ, मुझे शौक भी है बहुत ज़्यादा और मेरा दिल करता है कि मैं इसको परस्यू करूं आगे। बिल्कुल। तो फिलहाल तो मैं खुद ही से प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं छोटे मोटे। ठीक। लेकिन जैसे ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी, अगर कोई प्रोडक्शन हाउस मुझे मिलता है जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उस पर भी मैं जाने को तैयार हूं। और फ्यूचर में मेरा इरादा है कि अपना प्रोडक्शन हाउस भी या फिर किसी के साथ मिलकर मीडिया के थ्रू जो है हम दावत का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हम शॉर्ट फिल्म्स भी बना सकते हैं। इवन कि मेरा जो विजन है वो तो ये है कि हम एक हॉलीवुड लेवल की फिल्म बनाए। अच्छा। इस्लामिक जिसके अंदर कोई गैर शरी चीज़ ना हो और उसके थ्रू हम लोगों को दावत दें। दावत क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है और आजकल के जमाने की जो जंग है वो मीडिया से लड़ी जाती है। मीडिया से। बिल्कुल। तो दावत के लिए भी हमें मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। बड़ी खूबसूरत बातें रही मेरी आपसे और यकीनन बातें बड़ी मीठी है आपकी। दिल तो बहुत करता है कि सुनते ही जाएँ लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसका भी ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं? पैगाम तो माशाल्लाह आपकी वीडियोस में देखता रहता हूँ, आपसे बेहतर तो कोई पैगाम नहीं दे सकता। माशाल्लाह छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने आपको
اتنی ذہنیت دی ہے, سب آپ سے متاثر ہیں ماشاءاللہ. میں بھی بس یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس دنیا کے اندر جو ہمارا وقت ہے بڑا قیمتی ہے, تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے. تو اپنا وقت کو بہت ویلیو سمجھیں, اور یہ ایسا وقت ہے جو ایک بار چلا گیا واپس نہیں آئے گا. بالکل, اس کو جتنا قیمتی ہو سکے بنائیں, اور بیسٹ جو ویلیو آپ کو مل سکتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے مل سکتی ہے. اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے جس کا مفہوم ہے, اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. بالکل بالکل. تو مقصد اپنی زندگی کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کریٹر کو راضی کریں. بالکل. اور اس تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے, جیسے کاروبار کرنا, سارے معاملات, وہ تو ضروری ہیں. اپنی فیلڈ سے ریلیٹ, اپنی فیلڈ میں رہ کر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ بس اب موت کا تصور اپنے دل میں رکھیں, اپنے دماغ میں رکھیں, جو بھی آپ کام کریں گے ہم نے اللہ کو مدد کریں انشاءاللہ. بس یہ بات. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمیں یہاں پہ دعوت دی, اپنے گھر بلایا, ہماری اتنی مہمان نوازی کی, اتنی خدمت کی, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. یہ تھی ہماری چھوٹی سی ڈسکشن آکے بھائی کے ساتھ. میں پھر سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے. اور ان کی چند باتیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگی. ایک یہ بات کہ انسان جو ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اللہ کو راضی کرنا بنائے, چاہے آپ کس بھی فیلڈ میں ہو, آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, میڈیا کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو, آپ اسٹوڈنٹ ہو, یا انجینئرنگ کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو, یا میڈیکل کی فیلڈ سے ہو, جس فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہو, مقصد آپ کا الٹیمیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ کو آپ راضی کرو. مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے. باقی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ڈھیر سارے ایسے رستے ہیں جس کے تھرو آپ پہنچ سکتے ہو, لیکن جو سب سے پرومیننٹ رستہ ہے وہ میں یہ سمجھوں گا, وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنا. اور وہ ڈیفینیٹلی جب آپ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرو گے اپنی لائف میں, تو خود بخود جو ہیں لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھنا شروع کریں گے, اور آپ کو دیکھ کر لوگ انسپائر ہونا شروع کریں گے, اور اسی رستے کی طرف آنا شروع کریں گے. تو یہ ایک ایسی بات جو انہوں نے کہی, جو بات میں سمجھتا ہوں دلوں میں اتر جانے والی بات ہے. تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ڈسکشن. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم جو ہے کسی اور گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سب کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.